जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समस्या शास्त्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपने 11th से 12th में आ चुके हैं। 12th में आने के बाद समस्या शास्त्र के बारे में जानना है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें हम समस्या शास्त्र की बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। और कहते हैं ना कि अगर हम बेसिक चीजें समझ जाएं तो उससे आगे जो आने वाली चीजें जो उससे जुड़ी हुई हैं उसको समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे एबीसीडी आनी चाहिए, फिर एबीसीडी लेटर का यूज करके मैं वर्ड्स बनाऊंगा, एंड देन वर्ड से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। एग्जैक्टली सेम वे में आपका जो समस्या शास्त्र है ना, चैप्टर फर्स्ट पे काफी हद तक बेस्ड है। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ जाएंगे तो आगे के चैप्टर को समझना हमारे लिए और भी आसान होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कि आप विकास स्टडी पॉइंट पर आए, पढ़ना शुरू किया आपने, और मैं चाहूंगा निरंतर ऐसे बने रहें, सो डेट आपके नॉलेज, आपके जो एम है कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आने चाहिए, जो अचीव करना चाहते हैं उसको हम पूरा करने में पूरी तरीके से सहायता कर पाए। ठीक है ना। तो हमको पता है कि आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, यानी कि समस्या शास्त्र, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि मैंने दोनों को ध्यान में रखते हुए ये चीजें तैयार की हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ऐसा नहीं है कि आप चीजें जो पढ़ रहे हैं केवल पास होने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के नजरिए से पढ़ रहे, नहीं, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी समस्या शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एसएससी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, तो बहुत सारे सवाल जो आपका नेशनल इनकम हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से भी आपका जो चैप्टर है या आपकी पूरी पूरी बुक है बहुत फायदेमंद होने वाली है। ठीक है ना। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको टीयर जन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। भले ही आप सीबी सचदेवा पढ़ रहे हो या संदीप गर्ग पढ़ रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें वही रहती है, बस बताने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है ना। और हम पढ़ कहाँ पे रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम विकास स्टडी, और आपका ये पॉइंट यानी कि वीएसपी पे हम भी पढ़ रहे हैं, तो बने रहिए। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए, जल्दी से आ जाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। और जिन बच्चों के दोस्त हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही है, समय नहीं मिल पा रहा, तो उनको मैं चाहूंगा कि जरूर उनको शेयर करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि जब भी आपको कोई नया चैप्टर आएगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन मिलते के साथ आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड होगी, अब मुझे पढ़ना शुरू करना है ना। तो इसके आपका टाइम भी सेव होता है और आपको एंजॉयमेंट भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्यादा वक्त ना ले तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, बेसिक जानेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर जितनी भी चीजें आने वाली है सबको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। अब इकोनॉमिक्स तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि जैसे ही हम 10वीं में 11वीं में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमने चूज किया, हमें इतना तो पता चल गया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपके दो मेन पार्ट हैं, दो मेन बुक है ना। इकोनॉमिक्स खुद एक सब्जेक्ट मैटर है। अब इसके दो पार्ट है यानी कि दो ब्रांच है, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपका समष्टि अर्थशास्त्र। और 12वीं क्लास के अंदर हमारा कौन सा है, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन थोड़ा सा इसको हम रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं, सो डेट चीजें और अच्छे से हमें क्लियर हो पाए, अगर थोड़े से भूल भी गए तो, है ना। ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब देखिए, जब मैं इसको पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद जो चीजें मैं आपको गौर करवाने की कोशिश करूंगा, प्लीज फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर करती है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अभी है क्या, तो ये अर्थशास्त्र की शाखा है, क्या है, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम करते क्या है, इसमें हम हमारे जो आर्थिक मुद्दे हैं, ठीक है, हमारे आर्थिक मुद्दे हो गए, हमारी आर्थिक समस्याएं हो गए, उनका हम अध्ययन करते हैं, किस लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक या आपका अर्थशास्त्र का एक शाखा है, जिसमें हम आर्थिक मुद्दे एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका एक व्यक्ति की आय हो गई, एक फर्म का उत्पादन हो गया, अब इतना तो हमें समझ में आ गया डेफिनेशन से कि ये क्या, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर हम करते हैं क्या, हम प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। अब इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि एक पर्सन की इनकम हो गई या एक फर्म का प्रोडक्शन हो गया। मान लीजिए मैं एक पर्सन, मेरी इनकम है, अब मेरी इनकम का अध्ययन किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, एक महीने के बेस पर, छह महीने के बेस पर, ये साल के दौरान, तो केवल एक व्यक्ति का किया जा रहा है ना,
अब जो भी प्रॉब्लम आर्थिक समस्याएं होंगी या आर्थिक मुद्दे होंगे वो एक व्यक्ति के लेवल पे किया जा रहा है, तो इसका मतलब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये चीजें जान रहे हैं। या एक फर्म हो गई, उसका प्रोडक्शन एक साल के अंदर कितना रहा, अब यहाँ पे भी सिर्फ मैं एक फर्म की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। क्लियर, बहुत सिंपल था। अब आगे चलते हैं, सेकेंड वाला पार्ट है आपका समस्या अर्थशास्त्र, यानी कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो आपका समस्या अर्थशास्त्र है, जो हम 12th क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्या है, परिभाषा डेफिनेशन दोनों की सेम है, बस थोड़ी सी चीजें आपकी चेंज है। कैसे, व्यष्टि में पढ़ा था कि वो एक शाखा है, इसी प्रकार समस्या अर्थशास्त्र क्या है, ये भी अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें हम वही चीज करते हैं जो व्यष्टि में करते हैं, आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं एक व्यक्ति के आधार पर, और यहां पर जो अध्ययन करते हैं हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आधार पर, यानी कि आपका पूरा जो इकोनॉमी है। अब अगर मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है, अब इस पूरी इकोनॉमी के अंदर ना जाने कितने पर्सन होंगे, ना जाने कितनी कंपनीज होगी, कितने फर्म्स होंगे, तो उन सबकी फर्मों के द्वारा एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, इस देश में रहने वाली व्यक्तियों के द्वारा एक साल में कितनी आय हुई, ये जब हम अध्ययन करते हैं ना सभी को लेकर के, तो वो आपका समस्या शास्त्र आ जाता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो बहुत सिंपल था ना, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आधार पर आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं को हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर, तो बहुत सिंपल था। हमने पढ़े इकोनॉमिक्स के दो पार्ट, व्यष्टि समष्टि, समष्टि हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में, इसलिए अब समष्टि के बारे में ज्यादा जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने रिवीजन किया सो डेट हमें चीज और अच्छे से क्लियर हो पाए, करेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फुली एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, यानी कि पूर्ण रोजगार, फिर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनका टोटल, जो टोटल इन्वेस्टमेंट काउंट किया जाएगा, ना कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। उसी प्रकार से टोटल प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एक फर्म का प्रोडक्शन की बात की जा रही थी, बट माइक्रो यानी कि समष्टि के अंदर हमारा टोटल प्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर टोटल को लेकर चला जाएगा, चीजें वही करनी है, बस हमारा जो पढ़ने का मतलब रेंज है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हमने वस्तुओं के बारे में तो जाना है, बेसिकली अगर मैं केवल वस्तु की बात करूं तो वस्तु क्या होती है, यानी कि वस्तु एक भौतिक चीज होती है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, भौतिक अस्तित्व होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक पेन है, अब ये पेन क्या है, एक गुड्स यानी कमोडिटी है, करेक्ट। अब मैं इसे देख भी सकता हूँ, मैं इसे छू भी सकता हूँ, तो ये मेरी वस्तु हो गई। और सेकेंड होती है हमारी सेवाएं, वो क्या होती है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि उसे हम देख तो नहीं सकते, बट अपने आवश्यकता अपने नीड्स के लिए उसका हम यूज जरूर करते हैं। जैसे कि डॉक्टर की सेवाएं, अब डॉक्टर की जितनी भी सर्विसेज होती है वो हमें टच करके हमारी दवाइयां देखता है, चीज़ों को देखता है, तो उसकी एक सर्विसेज एक सेवा भाव दे रहा है, वो चीज़ हमें दिख तो नहीं रही बट हम उसका यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के प्रकार के बारे में जानते हैं कि गुड्स हमारे कितनी प्रकार की होती है, वस्तु हमारी कितनी प्रकार की होती है। तो वस्तुएं हमारी बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर फोर टाइप्स की होती हैं, चार। पहला क्या आपका फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तु, सेकंड है आपका इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तु, थर्ड है आपका कंज्यूमर गुड्स यानी कि उपभोक्ता वस्तु, और फोर्थ है आपका कैपिटलिज्म आपका पूंजीगत, ठीक है। ये आपका कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीगत वस्तु है, चार हमने पढ़ी, फाइनल, इंटरमीडिएट, फिर आपका कंज्यूमर, और थर्ड है आपका कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीगत। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में होती क्या, प्रकार पता चल गया, अब प्रकार के अंदर होती क्या चीज है वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुओं के बारे में जानते हैं। अब जो अंतिम वस्तु है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है आपका फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, यानी कि अंतिम उपभोक्ता वस्तु, अंतिम लगाना अनिवार्य है, केवल उपभोक्ता वस्तु लगाओगे तो वो चीजें दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहां ध्यान देना। फिर आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि अंतिम उत्पादक वस्तुएं, दो के बारे में, सबसे पहले हम जानते हैं अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं,
वह अंतिम वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। आप भी एक कंज्यूमर हो, मैं भी एक कंज्यूमर, वो हर एक चीज, खाने पीने का सामान हो गया, हमारे कपड़े हो गए, हमारे जूते हो गए, या हमारी नीड्स की जो और भी बहुत सारी गुड्स होते हैं, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, पेन हो गया, जितनी भी चीज हम यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, करने के लिए, वो सब को कुछ हमारा क्या होता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है, क्योंकि उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बेचने के पर्पज से नहीं कर रहे, है ना। हम दुकान में कोई भी चीज गए लाने के लिए, ला करके हम घर में यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कि मैं घर में लाया फिर उसको मॉडिफाई किया, फिर मॉडिफाई करके मैंने उसको सेल कर दिया। अगर ऐसा कर रहा हूं तो इट मीन्स वो कंज्यूमर गुड्स नहीं कहलाएगा। कंज्यूमर गुड्स तभी कहलाएगा जो बेसिकली लास्ट उसका यूज वही पर्सन कर रहा हो जिसके पास गया हो, ठीक है ना। इन वस्तुओं पर किया गया जो व्यय होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि हमारे जो फाइनल गुड्स होते हैं यूज बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो भी हम इन वस्तुओं पर खर्च करते हैं, उपभोग करते हैं, उसे हम उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर, पता चल गया आपको कि आपका अंतिम उपभोक्ता वस्तु क्या होती है। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि अंतिम उत्पादक वस्तु। अब अंतिम उत्पादक वस्तु क्या होती है, बहुत सरल है, परिभाषा उसी के तरीके से है, बस उपभोक्ता की जगह उत्पादक आ जाएगा। यानी कि वे अंतिम वस्तुएं जिनका उपयोग किसके द्वारा, उत्पादकों द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और इन वस्तुओं पर किया गया जो व्यय होता है ना, वो निवेश कहलाता है। ये ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ध्यान देना। अब इन्वेस्टमेंट क्यों, अगर किसी उपभोक्ता ने किसी वस्तु को खरीदा तब वो उपभोग व्यय कहलाएगा, लेकिन किसी उत्पादक प्रोड्यूसर ने किसी वस्तु को खरीदा तब वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसका यूज करेगा एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेगा, फिर उससे कुछ नई चीजें बनाएगा, इसको मॉडिफाई करेगा, एंड देन उसके प्राइस में चेंज ला करके उसे रीसेल कर देगा, है ना। कच्चे माल का मतलब हो गया कोई भी रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल करके कोई चीज बनती है। अब जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन को जब बनाया गया होगा तो ऐसे तो नहीं कि एज इट इज ही आ गई होगी, इसमें जितनी भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल की गई है, फिर उन सबको कलेक्ट किया गया, गैदर किया गया, फिर प्रोसेस किया गया, देन जाके डेवलप हुआ, ठीक है ना। अभी डेवलप हुआ इसका मतलब इस पर क्या किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया, क्योंकि प्रोड्यूसर ने किया। अगर इसे मैं खरीदता, क्योंकि मैं खरीद के लाया हूं, तो इस पर क्या गया एक्सपेंडिचर मेरा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन किसी प्रोड्यूसर ने किया तो कंजप्शन आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल था आपका, आपका जो हमने पढ़ा, आपका कंज्यूमर गुड्स यानी कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का सेकेंड पार्ट, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, तो बेसिकली मध्यवर्ती वस्तु में वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं की होती हैं और उपभोक्ता के उपभोग के लिए अवेलेबल नहीं होती। आई समझ नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। मान लीजिए कि आप एक हलवाई वाले हैं, ठीक है, मतलब आपकी एक शॉप है, एक होटल है, आप दुकान से गए दूध लेकर आए, दूध 5 किलो 6 किलो 10 किलो लेकर के आए, उसका इस्तेमाल किस लिए किया आपने, क्या उसका इस्तेमाल अपने जितने भी एम्प्लॉई है चाय बना के पीने के लिए किया है, नहीं, वो आपने अपने वर्क पर्पस से किया। अब वर्क पर्पस क्या है आपका, आपने वो लेकर आया, उसका आपने रसगुल्ला बनाया और रसगुल्ला बना करके आपने उसको बेचा, तो जो दूध हुआ वो आपका एज अ रॉ मटेरियल यूज हुआ, अब उसको आपने मॉडिफाई करके रसगुल्ला बनाया। अब रसगुल्ला बनने के बाद क्या हुआ, जो वैल्यू उसकी दूध की थी उससे कहीं ज्यादा रसगुल्ले की हो गई, फिर रसगुल्ले को जब बेचेगा तो वहां पे उसका मुनाफा होगा, है ना। इस मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हुआ, अब मुनाफा हुआ, मुनाफे के बाद जो भी उसका लाभ होगा वो उसका अपना कार्य हो गया, लेकिन जिसने उसको खरीदा होगा, मान लीजिए कि आपने इसको खरीदा, ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने रसगुल्ला बनाया दूध से और उसको बेचा और एक व्यक्ति ने उसको खरीदा, तो जिसने उसको खरीदा उसने खाने के उद्देश्य से खरीदा, तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स है क्योंकि अब उसको दोबारा नहीं बेचेगा। लेकिन जिसने दूध को रसगुल्ला बना करके बेचा ना, उसके लिए वो दूध
इंटरमीडिएट गुड होगा, मध्यवर्ती वस्तु होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कि मध्यवर्ती वस्तु में वे होती हैं जो प्रोडक्शन की जो लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं की होती है। इसका मतलब अभी भी उसको मॉडिफाई करना बाकी है, उसमें अभी भी कीमत में वृद्धि होनी बाकी है। जब कीमत में वृद्धि हो जाएगी और उस पर्सन के पास पहुंच जाएगा जो आगे उसको बेचने का काम नहीं करेगा, अपने लिए यूज करेगा, अपने खर्च के लिए, उसी समय खत्म कर देगा, तब जाकर कि वो फाइनल गुड बनती है। अदरवाइज वो इंटरमीडिएट गुड्स ही रहती है। जब तक कि उसमें कीमत में वृद्धि होती रहेगी तब तक वो इंटरमीडिएट गुड ही बना रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको हर एक चीज ना डीपली तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना, चीजें समझ लिया ना, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपका टाइम भी सेव होगा और चीजें बहुत अच्छे समझ में बैठ जाएगी कि इन फ्यूचर भी आप दोबारा कोई आपसे पूछ लेगा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है तो आपके जवान पे रहेगा और आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है आपका थर्ड वाला पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा आ जाता है कंज्यूमर गुड्स, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अंदर थर्ड पार्ट हमारा आता है कंज्यूमर गुड्स, यानी कि आपका उपभोक्ता वस्तुएं। अब उपभोक्ता वस्तुओं को भी यहाँ पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सा आपका है? ड्यूरेबल गुड्स यानी कि टिकाऊ वस्तुएं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी कि अटिकाऊ वस्तुएं, फिर आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि गैर टिकाऊ वस्तुएं, फिर आपका नॉन फिजिकल गुड्स यानी कि अभौतिक वस्तुएं, जिसे हम सर्विसेज भी कहते हैं। अभौतिक वस्तुओं को ही हम सेवाएं भी कहते हैं। आप इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता के अंदर ये चार जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर गुड्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर गुड्स होते क्या हैं। बहुत सिंपल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, उपभोक्ता वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करता हो। मतलब एक कंज्यूमर की जो भी नीड्स है उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए जिस भी कमोडिटी का वो यूज करता है ना, वो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा। मेरे घर में मान लीजिए मेहमान आए, तो मेहमान के लिए मैं गया दुकान पर, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ गया। अब कोल्ड ड्रिंक का मैंने यूज किया उनको पिलाने के लिए, कंज्यूमर गुड्स हो गया। मैं एक शॉप में गया, मुझे एक फोन पसंद आ गया, बहुत अच्छा लग रहा था, लुक भी अच्छा था, फीचर्स भी अच्छे थे, खरीद के लिए आया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। लेकिन यहाँ पे डिवाइड जो किया गया ना, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल या नॉन फिजिकल, इसमें क्यों किया गया? क्योंकि कई वस्तु ऐसी होती हैं जो एक बार में खत्म हो जाती है, कई कमोडिटी ऐसी होती हैं जो एक साल चलती हैं, कई ऐसी होती हैं जो एक साल से ज्यादा भी चलती हैं, और कई ऐसी होती जिसका हम यूज तो करते हैं पर वो दिखाई नहीं देती। तो इसी वजह से इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो सबसे हम पहले हम जो बात करते हैं ना, वो बात करें हम ड्यूरेबल गुड्स की, कि ड्यूरेबल गुड्स हमारे क्या होते हैं, यानी कि टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं। तो आइए परिभाषा समझते हैं, बहुत सिंपल है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ। टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तु है जिनका उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा कई वर्षों तक किया जाता है। यहाँ जो आपका पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इसका इस्तेमाल कई वर्षों तक किया जाता है। अब ऐसी कौन सी कमोडिटी होती है यार कि जो बहुत सालों तक यूज की जाती है? होती है ना, आपका लैपटॉप हो गया, आपका फोन हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, अलमीरा हो गया, ये क्या एक ही साल में खत्म हो जाती है? नहीं, अगर आप जानबूझ के खत्म कर दो वो बात अलग है, गुस्सा आया फोन का या किसी गर्लफ्रेंड ने बुरे तरीके से बात किया, ये बदतमीजी की, अच्छा नहीं लगा बात करके, गुस्सा आया, फोन तोड़ दिया, तो तब तो एक ही साल क्या, दो महीने में खत्म हो जाएगा यार, जिस वक्त है उसी दिन खत्म हो जाएगा। वैसे गुस्सा करना ठीक भी नहीं है, खुद का ही नुकसान होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम खुद अपना नुकसान ना करें तो वो कम से कम एक साल से ज्यादा, दो साल, तीन साल तो चल ही जाएगा। तो ऐसी कमोडिटी को हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर आता आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब इसके भी नाम से समझ में आ गया होगा, टिकाऊ समझ में आ गया कि एक साल से ज्यादा, कई वर्षों तक चले, तो आपका अर्थ टिकाऊ, वो आपका टिकाऊ में आ गया। लेकिन जो एक साल या एक साल से कम चले, ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे, हम सेमी ड्यूरेबल यानी कि अर्थिकाऊ वस्तुओं के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे परिभाषा से हमें समझ में आ रहा है कि जिन वस्तुओं का उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा एक वर्ष या उससे थोड़े या अधिक समय के लिए किया जाता है, अर्ध टिकाऊ वस्तु में कहलाती है। यानी कि ऐसी कमोडिटी जो कम से कम एक साल या दो साल या कम मतलब एक साल से थोड़ा सा ज्यादा, एक से डेढ़ साल, दो साल तक चल जाए, तो ऐसी कमोडिटी को हम क्या कहते हैं? सेमी ड्यूरेबल कहते हैं। अब ऐसी कमोडिटी क्या हो सकती है भाई? तो ऑब्वियस बात है, हमारी जो क्लॉथ होते हैं, हमारे शूज होते हैं, हमारे फुटवेयर होते हैं,
तो ये क्या कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल तो चली जाते हैं ना, वो बात अलग है हम जानबूझ के फाड़ दें या हमारा मन उब गया, हम पहनने का मन ना कर रहे हो तो हमने उतार के फेंक दिया कि नहीं मम्मी अब तो नया चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, नहीं नहीं फैशन आ रहा है, मैं 1000 रुपये पहने जा रहा हूँ मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, दोस्त बोलते हैं तो कुछ नया लिया जाए। तो ऐसे वस्तु में जो कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल तक चल जाए ना, उसे हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। है ना, सिंपल एकदम, बहुत सिंपल है। ड्यूरेबल जो 1.5 साल से 2 साल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समय तक चले। अब ऐसी कौन सी कमोडिटी आपको पता है सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल 1.5 साल 2 साल चले। अब थर्ड क्या आता है, तो थर्ड आता है जो हमारा बहुत कम चले, 1 साल से कम ही चले, 1 साल से पहले पहले खत्म हो जाए, तो उसे हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि गैर टिकाऊ वस्तुएं। इसे हम सिंगल यूज कमोडिटी भी कहते हैं। अब ऐसे क्यों, कई चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको हम एक बार इस्तेमाल करें दोबारा इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल देकर के, मेरे घर में गेस्ट आए, उनके लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, कोल्ड ड्रिंक उनको पिला दिया। अब पिलाने के बाद मुझे मेरी बोतल थी 2 लीटर की 2 लीटर की जितनी भी लाया था मैं, वो क्या वापस आ जाएगी मेरी वही जो भी मैंने पिलाया? नहीं आएगी ना, वो तो पी चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं कि मेहमान बोलूँगा ओ मेहमान जी जल्दी से जितना पिया वापस इसमें डालो, उड़े लो वापस, ऐसा तो नहीं कर सकता ना मैं। तो मतलब वो कमोडिटी मेरे पास वापस नहीं आएगी क्योंकि मैंने एक बार इस्तेमाल कर लिया, अब वहीं पर ख़त्म। अगर मुझे दोबारा चाहिए तो दोबारा जाके लाना पड़ेगा, लेकिन वो वाली वापस नहीं आने वाली। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि गैर टिकाऊ वस्तुएं। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी है कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आपका दूध, मिल्क चाय बनाने के लिए, या जिस भी चीज़ को मैं बनाना चाहता हूँ मैं एक दूध का इस्तेमाल एक ही बार कर पाऊंगा। पेट्रोल एक बार मैंने 1 लीटर भरवा लिया, 2 लीटर भरवा लिया, अब एक बार वो कंजप्शन हो गया, कंज्यूम हो गया, तो दोबारा वो उसमें नहीं भर पाएगा, उसके लिए मुझे दोबारा जाना पड़ेगा इंडियन ऑयल के पास, दोबारा भरवाना पड़ेगा, तब जाकर यूज़ कर पाऊंगा। लेकिन जो पेट्रोल पहले भरा था मेरी बाइक के अंदर, वो उसी समय खत्म हो जाएगा जितना भी मैं यूज़ करूँगा। तो ये आपका हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि आपका गैर टिकाऊ वस्तु। ठीक है, 3 कंप्लीट। चौथा क्या है फिर, चौथा और भी आसान है क्योंकि जिसके बारे में मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ये क्या है, ये आपका नॉन फिजिकल गुड्स है, यानी कि अभौतिक वस्तु में। नॉन फिजिकल गुड्स यानी कि अभौतिक वस्तु में, अभौतिक और भौतिक। भौतिक वस्तु में वो वस्तु होती है जिससे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक दिस। ये आपका इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है, यानी कि भौतिक अस्तित्व है, इसलिए मैं इसे छू पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अभौतिक, इस्तेमाल तो हम करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बट हम उसे देख नहीं सकते। एक टीचर की सेवा है, जैसे कि मैं आपको सर्विसेज अभी दे रहा हूँ, आप इसका यूज़ कर रहे हो अपने पर्पज़ के लिए, बट आप इसे देख नहीं सकते। एज इट इज़ डॉक्टर, एक इंजीनियर जो अपने काम करता है, सर्विसेज देता है, तो वो आपका अभौतिक कहलाती है, वो आपका फिजिकल नहीं होता क्योंकि उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। तो सेवाओं को हम अभौतिक वस्तुएं कहते हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या है, एक उपभोक्ता वस्तुएं हो गई जो हमारी आवश्यकता को किसी ना किसी रूप में पूरा कर रहा है, भले हमें दिखाई ना दे रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंज्यूमर गुड्स भी अच्छे से क्लियर हो गया। 4 पार्ट थे आपका, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और आपका नॉन फिजिकल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के 4th पार्ट की। 4 थे ना क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, वस्तुओं के वर्गीकरण के अंदर, आपका फाइनल गुड, अंतिम वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड, मध्यवर्ती वस्तुएं, तीसरा कंज्यूमर गुड्स, उसके 4 पार्ट हमने पढ़ लिए। अब लास्ट में आपका आ जाता है कैपिटलिज्म गुड्स, यानी कि आपका पूंजीगत वस्तुएं। अब ये क्या होती हैं, आइए समझते हैं। तो वे वस्तुएं या वे वस्तु जिनका उपयोग हम उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक करते हैं या किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। बहुत सिंपल है, यानी कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी कमोडिटी जिनका मैं यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि उसे कुछ नई चीजें प्रोड्यूस कर सकूं, और केवल 1 साल 2 साल के नहीं, कई समय तक, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूं, तो ऐसी कमोडिटी को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, यानी कि कैपिटलिज्म गुड्स कहते हैं, जिसमें आपका मशीनरी आ जाता है, आपका प्लांट आ जाता है। अगर आपको इसकी परिभाषा समझ में नहीं आ रहा ना कि आपकी कैपिटलिज्म गुड्स होते क्या है, मतलब आपकी पूंजीगत वस्तुएं होती क्या है, तो इसके लिए एक चीज और मैंने आपके लिए बनाया है, और वो पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाते हैं ना, तो समझ लो आपको ये पता चल जाएगा पूंजीगत वस्तुएं होती क्या। आइए जानते हैं।
इस पे फोकस कीजिएगा अच्छे से। ये इसकी विशेषताएं और यही विशेषताएं पूंजीगत वस्तुओं का वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है इसके बारे में। सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि इनका जो मूल्य होता है ना वो हाई होता है, उच्च होता है। सेकंड, यानी कि ऐसी कमोडिटी जिनका मूल्य हाई हो उच्च हो, ये ध्यान रखना। दूसरी, इसको प्रयोग जब हम करते हैं तो इस पर क्या लगता है, इस पर लगता है हमारा मूल्य ह्रास, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम डेप्रिशिएट, यानी कि डेप्रिशिएशन। करेक्ट, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले समझ में आ गया, वैल्यू हाई होती है, प्राइस का हाई होता है। सेकंड, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। थर्ड, उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जा सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के लिए हम लॉन्ग टर्म पीरियड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्थ है आपका, ये उत्पादकों की यानी कि प्रोड्यूसर की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। अभी स्थिर परिसंपत्तियां क्या होती हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको सो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट जो आर्ट्स के स्टूडेंट है हो सकता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट डोंट वरी, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्थिर परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियों का मतलब हो गया हमारे पास जितनी भी एक तरीके से प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मान लो मैं हूं, मेरे पास जमीन है, जायदाद है, तो मेरी परिसंपत्तियां होगी। अब यहाँ पे स्थिर का मतलब क्या हो गया, यानी कि फिक्स्ड, जो एक साल दो साल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और इसका इस्तेमाल करके मैं अगर प्रोडक्शन के नजरिए से देखूं तो प्रोडक्शन कर सकता हूँ, यानी कि मनी अरेंजमेंट कर सकता हूँ, मनी क्रिएट कर सकता हूँ। अभी स्थिर परिसंपत्तियों में कैसी चीजें आ सकती हैं, तो जैसे कि आपका लैंड, जमीन हो गया। अब जमीन की वैल्यू हमारी हाई होती है, और सबसे बड़ी बात है कि मूवेबल नहीं होती है, यानी कि ऐसी वस्तुएं भी जो उसको हम मूव नहीं कर सकते, जो एक जगह फिक्स्ड है तो फिक्स ही है। ऐसे नहीं कि आज मैंने यहाँ लगाया, कल वहां लगाया, परसों कहीं और लगा दूंगा, तो ऐसा हर चीज नहीं कर सकता। जैसे कि मैं लैंड है, ये मेरा फिक्स असेट है, बिल्डिंग फिक्स असेट है, मेरी कार, मेरी बाइक, कंप्यूटर, मशीनरी, प्लांट, ये सारी की सारी चीजें हमारी स्थिर परिसंपत्तियां होती है, फिक्स असेट्स होते हैं हमारे। गॉट इट? तो चार पॉइंट हमें पता चल गए पूंजीगत वस्तुएं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, इसकी वैल्यू हाई होती है। अब मान लो कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, वो मशीनरी जो लेके आएगा, ऐसा तो है नहीं कि 5,000-3,000 की मशीनरी होगी, 10,000 की मशीनरी होगी, 70,000-50,000 लाखों की होती है, लाख से ऊपर की भी होती है। तो इससे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू हाई है। सेकेंड, हम इसका यूज प्रोडक्शन के लिए करते हैं, और एक बार नहीं कई बार। मशीनरी में जो लेके आया हूँ क्या ऐसा तो नहीं, एक बार मैंने इस्तेमाल कर लिया दोबारा नहीं करूंगा? ऑफकोर्स करूंगा यार, क्योंकि मैं लाया उसी चीज के लिए, तो उस मशीनरी का यूज मैं बार बार करूंगा। करेक्ट, और कुछ ना कुछ वो इनपुट मुझे देगा, और उससे मेरा क्या जनरेट होगा, मनी। इसमें जो भी मैंने खर्चा किया उस मशीनरी के ऊपर, वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट, फिर आपका आता है इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास, और मूल्य ह्रास हमेशा फिक्स्ड असेट्स पे लगता है, हमारी स्थिर परिसंपत्तियों पे लगता है, जैसे कि मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इन चीजों पे आप डेप्रिसिएशन लगता है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मशीनरी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक ऐसी मशीन है, उस मशीन का इस्तेमाल करके मैं कपड़े बनाता हूँ। अब मैं कपड़े रोज बना रहा हूँ, कई सालों से लगातार यूज कर रहा हूँ, तो क्या मशीन जैसा मैं स्टार्टिंग में लाया था वैसी की वैसी ही रहेगी? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आज आप एक कार लेकर आए, आज से आपने स्टार्ट किया चलाना, आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने चलाए, जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी कार की वैल्यू में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। आप वो कार लाए थे 10 लाख का, अगले महीने वो 10 लाख से कम हो जाएगा, उसके अगले महीने और कम हो जाएगा, और ऐसे ही हर महीने उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। तो जितनी वैल्यू आपकी घटती जा रही है ना, इसका मतलब वो उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी कि उसके मूल्य में कमी आती जा रही है, और मूल्य की कमी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब पता चल गया आपको कि हमारी पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, वैल्यू हाई होता है, प्रोडक्शन के लिए हम कई बार यूज कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन लगता है, और ये हमारी फिक्स असेट्स होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है ना, वो भी हमारे क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट हम अच्छे से क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमारा अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर क्या है, ये चीज इस चैप्टर के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली है। समझिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, इसके कंसेप्ट क्या है, वो चीजें समझते हैं। सबसे पहले, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग
अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी कि जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है ताकि हम दूसरी चीज का प्रोडक्शन कर पाए। क्लियर। सेकेंड, ये वस्तु अंतिम उपयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं होती। अंतिम उपयोगकर्ता जिसके पास भी वो वस्तु पहुंचेगी आखिर में, फिर वो आगे उसको नहीं पहुंचाएगा, वो वहीं पे उसका इस्तेमाल करके खत्म कर देगा, तो उसे कहते हैं हम अंतिम उपयोगकर्ता। तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट गुड्स है, इसका मतलब अंतिम उपयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है। अंतिम उपयोगकर्ता के लिए तैयार तभी होगा जब वो अंतिम वस्तु में होगी। फिर इनके मूल्य में अभी भी मूल्य वृद्धि की जानी होती है, यानी इनका जो प्राइस है ना उसमें अभी भी इंक्रीमेंट होनी बाकी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि हलवाई दूध लेकर आया, दूध से उसने रसगुल्ला बनाया। अब रसगुल्ला जो बनाएगा तो ऐसा तो है ना जितने का दूध लेकर आया रसगुल्ला की वैल्यू उतनी रहेगी, उसमें तो वृद्धि हो जाएगी ना। तो इस वजह से जो आपका दूध है उस पोजिशन में इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन अगर वही एक फैमिली यूज कर रही होती चाय बनाने के लिए तो वही दूध उनके लिए फाइनल गुड होता है, क्योंकि उसके प्राइस में वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहे, वो अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इन वस्तुओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जब भी हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते। सवाल आता है क्यों, क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है क्यों, वाई क्यों हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं कर सकते। तो उसका जवाब ये है कि अगर मैं राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लूं, फाइनल गुड्स को भी इंक्लूड कर लूं, तो यहां पर मैंने एक ही कमोडिटी के प्राइस को दो बार ले लिया। वो कैसे, वो ऐसे कि मान के चलो कि मैं आपको ये बता के चलता हूं कि ये जो पेन है, ठीक है, अभी जो पेन है इस पेन को बनने में जितने रुपए लगे, 5 रुपए लगे, स्टेशनरी पे पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू 10 रुपए हो गई। अब मैं जब मैं जाऊंगा इसको खरीदने के लिए तो मुझे स्टेशनरी वाला 10 रुपए में देगा, करेक्ट। जब ये फैक्ट्री में थी तो 5 रुपए, अभी इंटरमीडिएट गुड्स है, स्टेशनरी पे पहुंची तो आपका ये क्या हो जाएगा, 10 रुपए हो गया। अब 5 से 10 रुपए हुआ, इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स था, तभी तो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आई, अभी 5 से 10 रुपए हो गया, ठीक है। अब 10 रुपए के बाद जब मैं खरीदने गया मुझे स्टेशनरी वाले ने 10 रुपए में दे दिया, तो इस वैल्यू की कीमत मैंने 10 रुपए लगाई और स्टेशनरी ने इसे 5 रुपए में खरीदा, तो स्टेशनरी वाले को 5 रुपए का पड़ा, मुझे 10 रुपए का पड़ा। पेन वही है, पेन वही है, स्टेशनरी वाले को 5 का पड़ा, मुझे 10 का पड़ा, टोटल कितना प्राइस हो गया, 15 रुपए। तो राष्ट्रीय आय में जब भी हम शामिल करेंगे ना, तो जो स्टेशनरी वाले ने लिया है उसकी वैल्यू को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी उसका प्राइस बढ़ा करके उसे सेल करने के पर्पज से लिया, उसने खुद के यूज करने के लिए नहीं लिया, सेल करने के पर्पज से लिया, उसका मतलब उसकी वैल्यू में अभी इंक्रीमेंट हो रही थी। 5 रुपए का उसने खरीदा, 10 रुपए में मुझे बेचा, तो यहाँ पर जो 10 रुपए में ये आया है ना, केवल ये वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अगर मैं 5 रुपए जो स्टेशन वैल्यू को मिला मैं वो भी ले लूं और 10 रुपए में जो मैंने खरीदा वो भी ले लूं, तो कुल मिलाकर के एक ही वस्तु को हमने डबल बार काउंट कर लिया और ये फिर गलत हो जाता है। और जब ये गलत हो जाएगा तो फिर हमारा जो नेशनल इनकम निकलेगा वो भी हमारा गलत निकलेगा। इस वजह से जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो फाइनल गुड्स की कमोडिटी की वैल्यू को लिया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट वैल्यू को। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अब फाइनल गुड के बारे में बात करते हैं। तो हमें इतना पता चल गया कि फाइनल गुड क्या होता है। तो फाइनल गुड हमारा अंतिम वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं किया जाता। दूसरा, ये वस्तु अपने अंतिम उपयोगकर्ता के लिए बिल्कुल तैयार होती है, इनकी कीमतों में मूल्य वृद्धि नहीं होती है, पुनः बिक्री के लिए नहीं होती है, और इसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। आए समझ, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है। उत्पादक के लिए, उत्पादक ने बना दिया, बनाने के बाद उसने बेच दिया, अब जिसके पास पहुंची है वो अपने पर्पज के लिए यूज कर रहा है, बेचने के लिए नहीं, तो फाइनल गुड है, इसके मूल्य में वृद्धि नहीं की जानी होती है और राष्ट्रीय आय में इसको शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा और नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को शामिल क्यों नहीं किया जाता ये भी समझ में आ गया। इसे हम कहते हैं दोहरी गणना की समस्या, और दोहरी गणना की समस्या में हमें ये चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के जो हमारी अंतिम वस्तु होती है ना उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, इसलिए हम इंटरमीडिएट की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, केवल फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे नोट देने वाली बात है, मतलब कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, अगर वो चीजें हम ध्यान रखेंगे
तो हमारा जो कंसेप्ट है ना वो और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान क्या है कि एक ही वस्तु आपकी इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तु एवं फाइनल गुड यानी कि अंतिम वस्तु दोनों हो सकती है। वो डिपेंड करता है यूज करने वाले पे। अगर हलवाई दूध को लेकर के आ रहा है तो उसका पर्पस है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके, मतलब मॉडिफाई करके दूध को कुछ बनाना और वैल्यू को इंक्रीज करना। लेकिन अगर वही दूध एक फैमिली यूज कर रही है तो चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए यूज कर रही होगी, बेचने के लिए नहीं कर रही है। तो डिपेंड करता है यूज करने वाले पर्सन पर। इसलिए एक ही वस्तु, अब जो दूध है वो इंटरमीडिएट भी बन गई ना, लेकिन उसका इस्तेमाल किसने किया? हलवाई ने किया, बेचने के पर्पस से, इसलिए इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर फैमिली ने यूज किया अपने पर्पस के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो वो आपका फाइनल गुड्स हो गया। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि एक ही वस्तु आपकी इंटरमीडिएट भी गुड्स होती है या फाइनल गुड भी हो सकती है, डिपेंड करता है यूज, जो उसको यूज करने वाले हैं उपयोग करता है कि पर निर्भर करता है आपका। ठीक है ना, और ये चीज आपको यहाँ पे बताया भी गया है कि उपभोक्ता द्वारा अगर किया जाता है तो अंतिम वस्तु है, बेचने के पर्पज से किया जाता है, पनीर बना करके दूध का यूज किया जा रहा है तो आपका मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, और कार्ड में आपको समझ में आ गया, क्योंकि दूध का पनीर बना करके बेचने से क्या होगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि हो जाएगी तो ये आपका मध्यवर्ती वस्तु बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इस प्रकार से मैंने आपको इतनी सारी चीजें समझाई। ये आपका जो मैंने आपको आज बताया है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर का छोटा सा कंसेप्ट था। मैं नहीं चाहता कि आपको वीडियो लंबी करके आपको पढ़ाऊं और समझाऊं, तो समझ में आएगा भी, लेकिन ज्यादा ड्यूरेशन हो जाने की वजह से ना मन हमारा ना बोर सा हो जाता है। तो मैंने सोचा स्टूडेंट्स के लिए कि ना शॉर्ट तरीके से लिया जाए कि स्टूडेंट का समझ में भी आ सी चीजें सारी की सारी और उनका मन भी लगे। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई है ना, आपका बेसिक से लेकर के एडवांस के लेवल तक हम आगे जाने वाले हैं, वो हर एक चीज भी आपको इसी तरीके से अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो अभी तक जितने बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किए तो कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए कि नोटिफिकेशन जैसे आपके पास आए, आपके पास टाइम हो तुरंत आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इन्वेस्ट ऑफ टाइम है। गॉट इट? सो थैंक यू सो मच विकास स्टडी पॉइंट पर आपने अपना समय दिया, और सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।